अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट काफ़ी सारे लेक्चर्स के अंदर मैंने एक एक एलिमेंट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल के अंदर समझा चुका हूँ और सारी ऑप्शंस आप लोगों को दिखा चुका हूँ। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डैशबोर्ड की, जो कि स्क्वेयर स्पेस का डैशबोर्ड है, लेफ्ट साइड पर आप लोगों को नज़र आ रहा होता है, उसके बाद हमने अभी तक बात नहीं की। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, उसके बारे में बात करते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर देखें ऑप्शन मौजूद है, जैसे यहाँ पर पेजेस के अबाउट हमने बहुत डिटेल के अंदर बात की, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ऑप्शन डिज़ाइन का। अगर आप पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन एक ही बार में चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे ब्राउज़र आइकन जो यहाँ पे आपको आइकन नज़र आ रहा है, जैसे गूगल का यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप अपना आइकन यहाँ से लगा सकते हैं, लॉक स्क्रीन कर सकते हैं, चेकआउट पेज को एडिट कर सकते हैं, उसका डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, 404 पेज की एडिट कर सकते हैं, डिनाइड स्क्रीन और सोशल शेयरिंग को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे CSS अगर आप कस्टम कोड ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है वेबसाइट सेटिंग, और यहाँ पे देखें साइट अवेलेबिलिटी, प्राइवेट, इसको आप पब्लिक कर सकते हैं, परमिशन, लैंग्वेजेस, और काफ़ी सारे यहाँ पे आपको वो ऑप्शन मौजूद होंगे। इन सब को आप यूज़ कर सकते हैं और इनको आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप इनको मज़ीद एक्सप्लोर करें, बहुत ही ज़्यादा बेसिक ऑप्शन है। अगर किसी बात पर समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम चलते हैं अब नेक्स्ट ऑप्शन के तरफ, जो कि हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ई कॉमर्स का। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो ई कॉमर्स का पेज भी सेटअप किया था, मज़ीद आप यहाँ पे आएंगे ई कॉमर्स वाले सेक्शन के अंदर, और यहाँ पे आप अपने ऑर्डर्स, इन्वेंट्री, कस्टमर्स, इन सब को इन मैनेज कर पाएंगे, डिस्काउंट्स को, कूपन्स मैनेज कर पाएंगे, मेंबरशिप, कस्टमर वॉच, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप एडिट कर पाएंगे, और पॉइंट ऑफ सेल भी यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें सेटअप या स्टोर, आप किस तरह का स्टोर सेटअप करना चाहते हैं, प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, पेमेंट्स ऐड करना चाह रहे हैं, पेमेंट गेटवे ऐड करना चाह रहे हैं, सब्सक्रिप्शन वाला स्टोर ऐड करना चाह रहे हैं, और पब्लिशर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और इसके साथ मज़ीद आप प्ले अराउंड कर सकते हैं, आपको मज़ीद सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑप्शन है मार्केटिंग का, यहाँ पे आप अपनी ईमेल कैंपेन्स वगैरह सेटअप कर सकते हैं, मेलचिम के अकाउंट्स वगैरह, और कोई भी सेंडिंग बिलो, जितने भी ईमेल मार्केटिंग वाली जो सर्विसेज हो उनको यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं और उनके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। मज़ीद कोई पॉपअप ऐड करना है, अनाउंसमेंट बार ऐड करनी है, अपने वेबसाइट की टॉप के ऊपर अनाउंसमेंट बार देखी होगी, उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है स्केड्यूलिंग का। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास सेटिंग अप, सेटिंग थिंग्स अप आ रहा है एक ऑप्शन। अब इसको लोड होने दें, उसके बाद मैं मज़ीद आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये पूरा अपॉइंटमेंट का सिस्टम आ चुका है। आप अगर आप कुछ इस तरह की वेबसाइट बनाने चाह रहे हैं जिसके अंदर आप अपॉइंटमेंट्स बुक वगैरह करवाना चाह रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से अपनी सेटअप कर सकते हैं कि आप कब कब अवेलेबल हैं, उन लोग कब कब कैसे कैसे किस तरह से क्या कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट क्रिएट कर सकते हैं आपके साथ, और आपको वो बैक एंड के ऊपर नज़र आएंगी। मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखा दूँ कि जिस तरह से हम यहाँ पे देखें स्केड्यूलिंग का ऑप्शन मौजूद है, अगर हम वहाँ से सेटअप करेंगे तो उसके पेजेस को हम यहाँ से क्रिएट करके मेन्यू के अंदर मज़ीद शो करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है एसेट लाइब्रेरी, तो यहाँ पे हमारे पास वो सारी फाइल्स मौजूद है जो हमारी वेबसाइट के अंदर यूज़ हो रही है, इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, जो कुछ भी है वो सारी यहाँ पे मौजूद हो गई। आप यहाँ से उनको डिलीट या मैनेज कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ऑप्शन एनालिटिक्स का, और बहुत ही ज़्यादा डिटेल के अंदर ये एनालिटिक्स हैं। आप लोग देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर या आपके क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है, कौन सी डिवाइस से आ रहे हैं, किस तरह से ऑप्शन कर रहे हैं। सिमिलरली ये गूगल एनालिटिक्स की तरह से काम करता है और सारी डिटेल्स आप लोगों को देता है आपके कस्टमर्स के रिलेवेंट, राइट। इसको आप मज़ीद देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है प्रोफाइल्स। लेट्स सपोज आपका क्लाइंट आपको एक्सेस देना चाह रहा है, तो वो अपनी प्रोफाइल के अंदर जाके यहाँ के आपको एज अ एडमिन ऐड कर सकता है, इंपोर्ट मेंबर्स ऐड कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट तरह के जो भी आपके सब्सक्राइबर्स होंगे, कस्टमर्स होंगे, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी, राइट। तो ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद हमारे पास मेन सेटिंग है, और इसके अंदर हमारे पास वो सारी चीज़ें मौजूद है, जैसे साइट की अवेलेबिलिटी, आप इसको पब्लिक करना चाह रहे हैं करंटली ये प्राइवेट है, परमिशंस कौन कौन सी हैं, ठीक है। उसके बाद साइट लैंग्वेज आप कौन सी चाह रहे हैं,
रीजनल सेटिंग क्या है, मेंबर एरिया, सोशल लिंक्स और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हो। यहाँ पे मेन ऑप्शन मौजूद है डोमेन का, इस तरह से आप कस्टम डोमेन ऐड कर सकते हैं। राइट नाउ अगर आप यहाँ पे यूआरएल बार के अंदर देखें तो एक डमी डोमेन यहाँ पे शो हो रही है, एक सब डोमेन शो हो रही है। अगर आप जैसे ehsandanish.com को आप बाय करके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं आपने अपने क्लाइंट की वेबसाइट के अंदर। राइट, इसका हम बिल्कुल वापस चले जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास हेल्प का ऑप्शन है, किसी भी तरह की और हेल्प चाहिए इनके फॉरम पे जाके आप वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आई होगी लेफ्ट वाला ऑप्शन, और इसके अंदर मैंने एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। मज़ीद इसके अंदर अगर आप इस आइकन के ऊपर क्लिक करे जाएंगे तो आप मेन डैशबोर्ड के अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे आप लोग आपकी जो भी वेबसाइट्स हैं वो सारी आप लोगों को वहाँ पे नज़र आ रही होंगी। इनको आप यहाँ पे वापस क्लिक करेंगे गो टू वेबसाइट तो एडिट मोड के अंदर चले जाएंगे। मज़ीद इस वेबसाइट को अगर आपको डिलीट करना है, बिलिंग इसकी देखनी है कि आपने इसका पे किया है नहीं किया, स्पेस को इसके अंदर परमिशन क्या क्या हैं, इसी सेम वेबसाइट को डुप्लीकेट करना है और किसी और यूआरएल सेटअप करना है उसके अंदर तो वो भी कर सकते हैं, डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, नई वेबसाइट आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डोमेन का ऑप्शन है, आप यहाँ से डोमेन बाय कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी डोमेन बाय की हुई है तो वो यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसका बेसिक सा ऑप्शन है, बेसिक सी चीज़ें, बेसिक डिटेल्स हैं। अगर आप जब ट्रांसफर डोमेन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी चीज़ें इन फ्रंट ऑफ व्यू इजीली नज़र आ जाएंगे, आप उनको फॉलो करके अपने डोमेन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं, हमारी प्रोफाइल से रेलिवेंट सिक्योरिटी नोटिफिकेशन और लॉग आउट करना चाहें और अगर अकाउंट की मज़ीद सेटिंग्स करना चाहें तो वो हम यहाँ पे अपने डिटेल्स जो हैं वो चेंज या अल्टर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कंप्लीट डैशबोर्ड के जो स्क्वेयरस्पेस का डैशबोर्ड है किस तरह से वो हम यूज़ करते हैं। तो आई होप बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, किसी तरह का कोई सजेशन है नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसको कंसिडर करूँगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लेक्चर्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और आई होप आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी ये कोर्स शेयर करेंगे ताकि वो लोग भी इसके साथ मज़ीद सीख सकें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।